नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे। कक्षा 7 की गणित में मैंने आपको दो पॉइंट प्रश्नावली 2.2 इसके पहले सिखाया था। प्रश्नावली 2.2 में मैंने इसके पहले जब आपको पढ़ाया था तो प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिया था। आशा करती हूँ कि आप भी प्रश्न नंबर 3 तक प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 3 तक आपने कंप्लीट कर चुके होंगे। आज है हमारा प्रश्न नंबर 4 जो पेज नंबर 37 पे है। पेज नंबर 37 पर प्रश्न नंबर हमारा चौथा है, तो आपने भी नोट में प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम प्रश्न नंबर चौथा सीखेंगे। प्रश्न नंबर चौथा में आपको यहाँ पे लिखा है छायांकित कीजिए, यानी बॉक्स आपको यहाँ पे बॉक्स बनाए गए हैं। तो पहला है बॉक्स ए के वृत्त का 1/2 भाग, यानी बॉक्स नंबर ए है जो उसमें ये आपको कितने 12 है, 12 बॉक्स एक है, अंदर गोलियां कितनी है 12, उसमें से बॉक्स एक और 2/2 में क्या लिखा है, कलर भरा हुआ है ना, तो हमको यहाँ पे कलर भर देना। आप जब अपनी बुक में खोलोगे तो कलर भरा नहीं होगा, वो आपको खुद पेंसिल से भरना है। पूरा एक बॉक्स है और उसमें लिखा है 2 भाग, तो इसके 2 भाग अर्धा अर्धा हमको कर देने का, तो 2 ये बाकी के 6 में हमको पेंसिल से कलर भर देना है। आगे है बॉक्स नंबर दो में त्रिभुज दिया है, उसमें भी आपको 2/3 कर देना है, यानी ये पूरा बॉक्स है और इसमें 3 में हमको क्या 6 में 2 को 6 में हमको ये क्या कर देना है, वृत्त में पेंसिल से भर देना है। तीसरे बॉक्स में आपको लिखा है सी वर्ग में 3/5, यानी ये 5-5 की लाइन है, 1, 2, 3, 4 5-5 की लाइन है ना बच्चों, तो इसमें 3 की लाइन में हमको कलर पेंसिल से ऐसे कर देना है। अब इसको करने के बाद हम हल कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हल कैसे करने का, पहले हमको प्रश्न में क्या बोला था, 1/2 1/2 किया था, वृत्त एक ही है, तो 2 12 यहाँ पे हमने लिख दिया। बॉक्स कितने थे, टोटल 12 थे ना, तो हमने देखो हम गिनेंगे 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, तो 12 कर दिया। सवाल में 1/2 लिखा है तो इसको हमने 12 से किससे काट दिया, 6 से, 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार, 3 × 2 = 6, इसीलिए ये यहाँ पे 6 आया। दूसरे वृत्त में आपको संख्या दी गई है 2/3 दी गई है, इसमें 3 के गोले थे और यहाँ पे टोटल कितने वृत्त है, त्रिभुज कितने हैं, 9 है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे सवाल में 9 × 2/3 3 × 3 = कितना होता है, 3 के पहाड़े में यहाँ पे कितना आएगा 9, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 के पहाड़े से 9 को काट दिया है। आगे का सवाल है हमारा, यहाँ पे आपको 15 टोटल बॉक्स दिए, 3, 5, 5 के 5, 5 × 10, 5 × 15, इसीलिए यहाँ पे हमने टोटल यहाँ पे काट दिए हैं। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है, तो 5 बार में 5 × 15, इसीलिए यहाँ पे 15 आया है और यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। बॉक्स कितने काटे हैं, 9। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर चौथे का ये 3 सवाल कंप्लीट होता है। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपको ज्ञात करने को बोला है, तो प्रश्न नंबर 5 के ए में है 24 का 1/2 हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, तो हम कैसे करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पे 24 का 1/2 हमें ज्ञात करना है, तो का निकाल के हमको क्या करना है, 1 गुणा कर देना, 24 × 1/2, तो 24 का हम 12 से काट देंगे, 12 के पहाड़े में 2 बार में 24 आता है, तो 2 का गुणा हम 12 बार करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो बचा क्या, 2 12 × 24, तो हमने 24 लिखा, बचा क्या हमारे पास 1, तो 1 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12। फिर यहाँ पे 46 है, 46 का 1/2 का निकाल के 1/2 कर देने का है, तो 12 23 में अगर करेंगे ना 2 का गुणा 46 आ जाएगा, बचा क्या 1 23 में 1 का गुणा किया तो 23। अब बी नंबर है, बी का पहला है 18 का 1/3, तो 18 × 1/3, तो हमने यहाँ से काट दिया, 3 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, 6 बार में, तो 3 × 18 6 से काटा तो बचा क्या, यहाँ पे 6 से काटा तो बचा क्या बच्चा, 6/2 6 × 12,
27 का 1/2, तो 27 गुणे 1/2। अब 27 गुणे 1/2, 2/3, तो 27 तीन के पाड़े में 9 × 12 = 27 आता, तो 3 × 9 = 27। 3 गुणे यहाँ पे हमको गुणा करना है, 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 2 × 9 = 18। फिर आगे है सी नंबर, 16 का 3/4 के साथ, तो 16 × 3/4, 4 × 16, 4 × 3 = 12। इस तरह 36 का गुणा 3/4 में, तो 4 × 9 = 36, तो 9 × 3 = 27। डी नंबर है, डी का पहला 20 का 4/5, 20 × 4/5, 5 × 20, 4 × 4, 4 × 16, 35 का 4/5 × 4/5 लिखेंगे, 35 आता है, तो 7 × 4, 4 × 4 = 28, 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 28 आएगा। इस तरह प्रश्न नंबर 6 का। अब देखो बच्चों, हमने पहले संख्या दी होती थी, गुणा हम खुद करते थे, यहाँ पे गुणा दिया है, संख्या हमको लिखनी है, तो यहाँ पे 5 लिखा ही है, तो पहले हम पहाड़ा पढ़ लें, 5 × 25, 25 और 1 को जोड़ दिया, तो 26, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 26/5, 3 का 26 में गुणा करने का, 5 रखेंगे, 26 का गुणा 3 में करेंगे, तो 78/5, 5 में इसका हम भाग देंगे, तो हमारा 15 × 3/5 सही लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बच्चों, ये 3 ऊपर थोड़ा जाएगा, मतलब इस तरह से हमको लिखना है। मैं बताती हूँ आपको, 3/5 और 15 हमको यहाँ रखने का, जब हम भाग देंगे तो हमारी संख्या ये आएगी। इसी तरह बी नंबर है, तो यहाँ पे हमको इसका गुणा, पहले हम इसका गुणा करेंगे, 4, 6 × 4 = 24, 24 पहले हमको इन दोनों के बीच में गुणा कर देना है, 6 × 4 = 24, 24 में 3 जोड़े तो 27, 27 में हमको 5 का गुणा कर देना है, 5 और 4 ही रखना है, 27 में 5 का गुणा करेंगे, इस तरह से हमको लिखना है, 5 × 27/4, तो 27 × 5 = 335/4, अब हम भाग करेंगे तो 33/3/4 आएगा। इस तरह से सी नंबर का है पहला, सी नंबर है यहाँ पे 27 × 2/4, तो 2 × 9 = 8, 8 में 1 जोड़े तो 9, तो 7 × 9/4, तो 7 × 9/4, 7 × 9 = 63 और 4 रखेंगे, 63 का भाग 4 में करेंगे, तो 15 × 3/5 आएगा। डी नंबर में है 4 × 6, तो 3 × 9, 9 × 6 = हमको 3 में करने का, तो 6 × 3 = 18 और 1 = 19/3, 4 × 19/3, तो 19 का पाड़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो 76 आएगा, 3 ही रखने का, 3 में 76 का भाग देंगे, तो 25 सही 1/3 आएगा। ई नंबर है, तो इसी तरह हमको इसका गुणा करने का, तो 4 × 3 = 12 बच्चों, 12, 4 × 3 = 12 और 1 = 13, 13/4 और गुणे 6, 13 में 6 का गुणा किया, तो 39 आएगा, और बटे में हमको 4 का छोटा रूप रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 से हमें इसका भाग देंगे, तो 19 सही 1/2। अब एफ नंबर है, एफ में 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17/5, 8, 17 में 8 का गुणा करेंगे तो 136/5, 5 में 136 का भाग देंगे, तो 27/1/5 आएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज 2.2 कंप्लीट होता है, और 2.2 जो हमारा है वह प्रश्न नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है। अब आगे की प्रश्न नंबर 7 और 8, प्रश्न नंबर 7 और 8 में आपको बाद में समझा दूंगी, तब तक आप गणित की नोट में 2.2 जो है वो पूरा करिएगा। बच्चों ये मैंने 6 तक करवाया है, प्रश्न नंबर 7 और 8 है वो आपको खुद करना है,
जैसे ही इसका गुणा इसमें करोगे और इसका गुणा फिर ये लिख देने का, ये जैसे चार दुनी आठ हो गया, चार दुनी आठ, आठ और दो कितना होगा, आठ और तीन है ग्यारह होगा, तो ग्यारह बटे चार लिखने का, फिर उसका गुणा इसमें कर देने का। जैसे मैंने ये सारे सवाल सिखाए वैसे ही ये सारे सवाल है। तो प्रश्न नंबर सात और आठ वो आपको खुद आपकी गणित की नोट में करना है। जैसे मैंने सिखाया सेम वैसे ही सवाल है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे ये विद्या और प्रतिमा पिकनिक पर गए, उसने माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी, तो 5 और इनका गुणा करोगे ना तो आपको सवाल आएंगे। तो आपको 6 तक मैंने समझाया है। घर काम में आपको ये तो स्वाध्याय 2.2 कंप्लीट करना ही है, लेकिन सातवां और आठवां वो सवाल आपको घर काम में करना है, स्कूल की नोट में ही करना है। पहले जो मैंने आपको समझाया वो सारा कर लेने का है। करने के बाद जो सातवां नंबर पे आप पहुंचोगे तो वो खुद आपको करने का है। तो यही आपका घर काम है कि प्रश्न नंबर 2.2 आपको कंप्लीट करना है। इसके आगे अब आएगा हमारा 2.2 था तो 2.3 आएगा, तो उसके लिए हमें कुछ अलग सीखना पड़ेगा, कुछ उदाहरण हमें देखना पड़ेगा, वो मैं आपको समझा रही हूँ, आप यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे लिखा है भिन्न का भिन्न में गुणा। फरीदा के पास 9 सेमी लंबा एक ब्रेरन की पट्टी थी, उसे पट्टी को 4 भागों में काटा, उसने यह किस प्रकार किया, उस पट्टी को दोबारा मोड़ो। प्रत्येक भाग कुछ लंबाई के किसी भिन्न को निरूपित करता है, प्रत्येक भाग पट्टी का 9/4 होगा। इसने इसमें एक भाग दिया और इस भाग को इस प्रकार मोड़ते हुए 2 बार भाग में बांट दीजिए, इन दोनों टुकड़ों में एक टुकड़े का क्या निरूपित होगा। तो यहाँ पे सवाल दिया 9/4 का 1/2 अथवा 1/2 गुणे 9/4 का निरूपित करना है। आइए हम देखते हैं कि किस तरह हम करते हैं इस सवाल को। तो गुणनफल कर दिया, जैसे 1/2 गुणे 9/4 को ज्ञात हमें करना है, जो संख्या हमें दी है वही। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 1/2 गुणे 1/3 जैसे का गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो एक दे दिया हमको 1/3, हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम संपूर्ण से 3 भागों में बांटेंगे। निम्न से प्रत्येक भाग संपूर्ण 1/3 भाग का निरूपित करता है, इनमें से 3 हम हिस्सा लेंगे। आपको यहाँ पे ये चित्र के हिसाब से समझाया बच्चों, ये चित्र है 1, 2, 3 खाने, लेकिन कलर किसमें सिर्फ भरा है, सिर्फ आपको इसमें कलर भरा है एक में। और बी नंबर में क्या कर दिया है, बी नंबर में भी 3-4 खाने हैं, लेकिन एक कटा हुआ है और एक में कलर भरा। इस तरह से बच्चों 1/2 गुणे 1/3 को हम निरूपित आकृति के द्वारा से हम करेंगे। यहाँ पे सी नंबर दिया है, एक संपूर्ण का कितना भाग है यह जानने के लिए। इस तरह से सी नंबर में भी आपको दिया है कि ए संपूर्ण कितने भाग है यह जानने के लिए 1/3 के भागों में से प्रत्येक को 2 समान भागों में बांटिए। अब आपके पास ऐसे कितने समान भाग हैं, ऐसे 6 समान भाग हैं, इनमें एक भाग है, एक संपूर्ण 1/6 भाग है। इस प्रकार 1/2 गुणे 1/3 बराबर 6। यानी देखो बच्चों, यहाँ पे इसका गुणा किया तो भी एक आएगा, 2 दुनी 2 3 6। इस तरह से लिखा है, हमने यह कैसे निर्णय लिया कि एक संपूर्ण का 1/6 भाग है, संपूर्ण 1 × 3 = 6 भागों में बटा है, एक भाग में से बाहर निकलिए, अतः 1/2 × 1/3 = 3 × 2 = 6। अब इसमें देखो, एक एक का गुणा किया, 2 और 3 का गुणा किया, इस तरह से यहाँ पे 6 बच्चों आ गया। यहाँ पे मानेंगे 1/3 × 1/2 का मान भी इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, संपूर्ण 2 समान भागों में बांटिए, और अब इसमें किस भाग, एक भाग के 3 समान भाग में बांटिए, इसमें से एक भाग का लीजिए, 1 × 1/3 × 1/2 अर्थात 1/6 भाग को निरूपित कीजिए। यहाँ पे हमने देखा है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से सवाल लिखा है, 1/3 × 1/2 = 2 × 6, तो इस तरह से यहाँ पे गुणा किया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 = 1/6, ये भी लिख सकते हैं और ये भी, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 का गुणा 1 में और ये 3
और इसका गुणा यहाँ कर दिया तो 6 आ गया। इस तरह से बच्चों यहाँ पे आपको ये सारी संख्या का जांच किया गया है, ये खुद सवाल करना। एक सवाल में आपको फिर से समझा देती हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। जो उदाहरण नंबर 6 है और पेज नंबर 39 है, सुशांत एक घंटे में कितनी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है और 1/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा। तो सुशांत ने एक घंटे में कितनी पुस्तक पढ़ी बच्चों, 1/3। तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब ये है कि तो जब इसने 1/3 भाग एक घंटे में पढ़ी तो इतने घंटे में कितनी पुस्तक पढ़ेगा, तो वो हम कैसे हल करेंगे, इसीलिए लिखेंगे पहले। इसीलिए 1/5 है तो हमको यहाँ पे लिखेंगे इसके द्वारा पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग, 1/5 गुणे 1/3। तो पहले तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 5 × 10 और 1 कितना होता है 11, तो 11/5। और इस तरह से हम लिख देंगे 1 × 3 बराबर। अब इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, तो 11 का गुणा 1 में और 5 का गुणा 3 में करेंगे, तो बराबर 11 × 11 5 × 15। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि अब हम समझेंगे कि 1/2 और 5/3 ज्ञात करना है, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, हमारे में हाथ आया ये वाला 5/3 और 1/2, ये वाला 1/3 और 11/15, इन्हीं दो संख्या से हमको ज्ञात करने का है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 5 ज्ञात करना है, हम जानते हैं कि 5/3 और 1/3 हमको ज्ञात करना है, और यहाँ पे हमने लगा यहाँ पे 11 आया ना बच्चों, लेकिन हमको 5 लिखने का है और 3 लिखना है, ये ज्ञात करना है और एक ये ज्ञात करना है। तो हमने लिखा 1/2 × 5/3 बराबर 1/2 × 1/3 × 5 1/6। अब यहाँ पे हमारा 6 के तो 3 × 2 = 6 होता है, इसीलिए 6 लिखा, और 5 तो हमारे पास था ही, और यहाँ पे भी हमने 5 × 5/6। इस तरह से 5/6 1/5 × 2/3 बराबर, अतः ऐसे भी हम लिख सकते हैं 5 × 2 = 6 और 5 × 5 = 5, तो हमारा जवाब आ गया 5/6। इस तरह से वह निरूपित किया जाएगा, इस प्रकार से भाग मिलेगा 5/1/6 बराबर 5/6 होगा। यहाँ पे बच्चों आपको ये सवाल मैंने समझा दिया, तो जिस तरह से ये सवाल हम समझे, इसके नेक्स्ट टाइम जब हम सवाल करेंगे तो वो ऐसा ही होगा। तो आपको आपके गणित की नोट में आपका जो 2.2 था कंप्लीट, हम फिर से वापस आ जाते हैं, वो आपको गणित की नोट में कर लेना है। यही आज का आपका घर का में कि 2.2 जो मैंने समझाया वो सारा आपको गणित की नोट में और स्वाध्याय पोथी में करना है।